देखते रहिए UBN 08 न्यूज बीनागंज चाचौड़ा से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। चाचौड़ा के जेलर मनीष पवार के द्वारा स्थानीय पत्रकार पर गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग करने हेतु स्थानीय पत्रकार ने SDM को ज्ञापन सौंपा। देखिए और आगे। मामला है तुम्हारा? ये मामला ऐसा है कि मैं एक खबर की कवरेज के लिए जेल पर गया हुआ था, तो मैंने जेल पर जेलर साहब को फोन लगाया खबर के लिए, तो उन्होंने मेरा फोन उठाकर काट दिया और इसके बाद मुझको उन्होंने बंगले के यहाँ पर बुलाया। मैं उनके बंगले के यहाँ पर गया तो मैंने उनसे पूछा, मैं सर उनकी एक खबर के सिलसिले में कि आपसे बातचीत करना है मुझे थोड़ी, तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे कुछ भी बातचीत नहीं करना, वो गाली गुप्त करने लगे डायरेक्ट और गाली देने लगे। इसके साथ ही उनने अभद्र का व्यवहार किया और भगा दिया वहाँ से टोटल तरीके से। इसके मामले में ज्ञापन दिया कहीं पे? हाँ, अभी SDM साहब को ज्ञापन दिया है सभी चांचौड़ा के पत्रकार संघ ने, और इसके अलावा मैंने एक निजी रूप से भी चांचौड़ा TI साहब को आवेदन दिया है। ग्राम रक्षा समिति को लेकर थाना प्रभारी राकेश गुप्ता ने ली बैठक, जिसमें जिले से जिला अधिकारी पहुंचे। देखिए और आगे। आपका नाम भी गोपनीय रखेंगे, आपकी दुश्मनी भी नहीं होगी, लेकिन आप धीरे से साहब के कान में, आप पुलिस के उग्र तंत्र हो, आप आंख कान और नाक हो पुलिस के, आपको पुलिस तक ये माध्यम से पुलिस को ये सूचना पहुंचानी। पुलिस विभाग में बल की कमी होने से और जनता से पब्लिक पार्टनरशिप का जो फॉर्मूला शासन का रहता है, उसके तहत अपन लोगों ने ये शासन ने ये गठित किया है ग्राम एवं नगर रक्षा समिति का। ये जो नगर रक्षा समिति द्वारा, मैं ग्राम रक्षा समिति का जिला संयोजक कुलदीप सूद बोल रहा हूँ जी। यहाँ पर चांचौड़ा में ग्राम रक्षा समिति के जो लड़के हैं, ये कोरोना फाइटर्स के रूप में करीबन 1.5-2 महीने से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो इस संबंध में कि इन लोगों को कोई परेशानियाँ तो नहीं है, कोई समस्या तो इनके काम करने में नहीं आ रही है। कोई वेतनिक हैं कि बिना वेतनिक वाले हैं? नहीं, ये सब अवेतनिक हैं, सब निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं कर देते हैं और कई वर्षों से देते चले आ रहे हैं, और अभी भी कोरोना के समय में भी इनको ना तो अभी तक कोई मानदेय मिला है और ना हमने ऐसी इच्छा व्यक्त। कुम्बरास तहसील अंतर्गत ग्राम घोरलया खेड़ा में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की का बाल विवाह परिवार द्वारा कराया जा रहा था, जिसके चलते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सूचना मिलने पर महिला बाल विकास ने पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग अमले के साथ बाल विवाह रुकवाया। हमारे साथ बने रहिए ताज़ा खबरों के लिए। आज तक बात नहीं करी, देख लेना, अगर तू गांव के अंदर चलो चलो। अच्छा, आप बता पाएंगी क्या प्रकरण है ये?
बाल विवाह रोकने में मेरे को पूरा गांव वाला ने सहयोग किया, इसलिए मैंने महिला बाल विकास विभाग में आवेदन दिया है। अच्छा, हाँ तो महिला बाल विकास विभाग में दे, तुम तो आंगनबाड़ी कर ताकि इन लोगों से मतलब ये तुम प्रेशर बनागा तुम्हारे साथ। नहीं, आपको कैसे मालूम चला ये बच्ची नाबालिग? क्योंकि मेरे पास जन्म पंजीयन उसका सब कुछ डाटा। आपके पास डाटा है? तो कौन समाज में ये? भील समाज में। तो बच्ची की उम्र क्या होगी? इसकी बात की 15 साल है। 15 साल उम्र है तो ये शादी कर रहे थे। तो आपने शिकायत की तो कौन पुलिस प्रशासन पहुंचा, कौन पहुंचा आपकी शिकायत पे? सब पूरा डिपार्टमेंट पहुंचा, महिला बाल विकास विभाग से, पुलिस और पटवारी, तहसीलदार सब। अच्छा अच्छा, सब लोगों ने पहुंचे। इसके बाद शादी रुकवाई? शादी रुकवाई। अच्छा, आपका नाम? ललता मीना। कौन? और मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गोला के। ठीक है।